हॉस्पिटल में आऊँगा तो क्या नाम से बोलूँगा आपको? सागर कुमार सागर कुमार। सागर सर, एक बात बताइए बताइए। सर, आप ये कितने दिन से चूतिया बनाने की स्कीम चालू की? हेलो, मैं बिट्टू वर्मा, आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग, डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग। अभी हॉस्पिटल के क्षेत्र में देखें तो एक ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है जो शायद आप लोग के लिए काफ़ी नया हो सकता है। एक कॉल आएगा, कॉल से आपको पूछा जाएगा कि आपका पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। आप जैसे बताएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये करेंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हो। बताएंगे कि मैं दुर्ग या भिलाई से बोल रहा हूँ, तो उन लोग प्रॉपर अपने पास सिस्टम से दुर्ग भिलाई के आसपास जो भी हॉस्पिटल्स होंगे उनको सर्च करके आपको उनके डिटेल्स देंगे। हाँ, पहले पेशेंट नेम डालना है, ठीक है? पहले क्या डालना है सर? मैं साइड भेज रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक हाँ है? आप गाइड करिए सर। सर, तो यहीं का हॉस्पिटल रहेगा ना सर? तो सर हॉस्पिटल का नाम बताइए ना, फिर मैं आपको पेमेंट वगैरह का जो प्रोसेस है मैं करता हूँ। हाँ, हॉस्पिटल का नाम आपको नहीं पता? हेलो, केएम हॉस्पिटल मेमोरियल में है, ठीक है? एएम हॉस्पिटल मेमोरियल, हाँ, ये कहाँ पे पड़ेगा सर मुझे? चेरोडा विलाय में मिलेगा। चरोदा भिलाई में सर। आप डॉक्टर के नाम पूछोगे, बाकायदा डॉक्टर का नाम भी आपको सही पता चलेगा, टाइम भी आपको सही बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें उन लोग उस हॉस्पिटल के वेबसाइट से उठा के आपको प्रोवाइड करेंगे। जनरली वो आपको व्हाट्सअप नंबर मांगेंगे, व्हाट्सअप नंबर में आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो एक फॉर्म का लिंक ओपन होता है जिसमें पेशेंट के सारी डिटेल्स होते हैं। पेमेंट का जब ऑप्शन आएगा तो उन लोग का पेमेंट का कोई हैवी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप से आपको रेंडमली अमाउंट पेमेंट करने को बोलेंगे। वो आपको पेमेंट का जो मेथड गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू बताएंगे। जब आप उनको पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद वो 10-5 रुपये से शायद आपका अकाउंट हैक हो सकता है। आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। हॉस्पिटल क्षेत्र में अगर बुक अपॉइंटमेंट का लिंक कर रहे हो तो प्रॉपर आप उस हॉस्पिटल के वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे टोल फ्री नंबर होता है, कॉलिंग नंबर होता है, आप प्रॉपर कॉल करके बात कीजिए, गाइडलाइंस लीजिए, देन आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। रेंडमली अगर ऐसे कॉल आते हैं तो स्पेशली आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि उस समय शायद हम बहुत परेशानी में रहते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।